जैसा आप देख सकते हैं, आज आपके सामने लाए हैं इनोवा। ये इनोवा टाइप वन टाइप टू है, 2008-09 का मॉडल है। ये कार में हमने एक लेक्सस का ग्रिल लगाया है, जो आप देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। एक लेक्सस का जो ग्रिल लगाने के बाद इसका जो स्टैंड आउट उठ के आ रहा है फ्रंट लुक से, आप अमेजिंग कर सकते हैं कि कितना डिसेंट लुक आ रहा है। सो फ्रंट में हेडलाइट को रिप्लेस किया हमने, हेडलाइट आफ्टर मार्केट की जो आती है, आफ्टर मार्केट का हेडलाइट डाला है हमने। उसके साथ साथ में जो DRL आते हैं, DRL भी लगाया हमने इसमें। आप देख सकते हैं इसका किट के साथ में, जो मैं ऑन करके लाइट बताना चाहूँगा आपको कि इसका जो आउटपुट और व्यू है, आप बाकी की गाड़ियों में भी लगाए रहेंगे। इनोवा में जो एक दो सेट LED लैंप्स लगाना पड़ता है इसमें, हाई बीम लो बीम का। और ये DRL का जो लुक है, एक अमेजिंग लुक दिख रहा है। सेंटर DRL आप देख सकते हैं, ये DRL जो लगा है डाउन पोजीशन फॉग लैंप के बाजू में, इसमें भी कितना डिसेंट आउटपुट आ रहा है। और इसमें जो इंडिकेटर का लुक आ रहा है वो आप देख सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल का इंडिकेटर लुक आ रहा है, जो आप कार के राइट एंगल में आप देख सकते हैं इंडिकेटर, जो ऊपर हेडलाइट में भी और फॉगलाइट के बाजू में भी DRL है, वो इसका स्टैंड आउट उठ के आ रहा है। सेंटर ग्रिल के बीच में हमने एक DSC का डैश के हमने 360 कैमरा इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं 360 कैमरा इंस्टॉल करने का तरीका सेंटर ग्रिल के बीच में, जो फ्रंट का पूरा व्यू कवर करता है। एक ओवरऑल पेंटिंग डेंटिंग का जितना वर्क हुआ है, गाड़ी का जो कलर था पहले सिल्वर कलर था, तो इसको ऑन अप्रूवल लेके पहले कलर का अप्रूवल लेने के बाद फिर कलर चेंजेस हुआ है ये कार का। और आप देख सकते हैं जो स्टैंड आउट उठ के आ रहा, नेक्स्ट लेवल का स्टैंड आउट उठ के आ रहा है। अलॉय व्हील्स को भी पेंटिंग का वर्क किया है, अलॉय व्हील्स जो ओरिजिनल था उसको प्यानो ब्लैक में पेंट किया है। अंदर का जो कैलिपर है, कैलिपर को भी हमने फ्लोरेसेंट कलर में, जो पोर्से और फरारी में आता है ऐसा, उस टाइप का कलर मारा हमने इसमें जो कैलिपर है। आप साइड व्यू से देख सकते हैं क्रोमियम वर्क अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हैंडल में जो क्रोम दिख रहा है आपको, इतना ही सिर्फ क्रोम है। एक आउटस्टैंडिंग कार का आप देख सकते हैं कि कितना नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। आपको बैक साइड का प्रोफाइल में बताना चाहूँगा कि बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये जो इनोवा नाम आता है, हमने इनोवा नाम का टेल लाइट का पीछे बूट स्पेस पे पट्टी लगाई है। और दूसरी जो आफ्टर मार्केट की टेल लाइट आती है, स्कैनिंग टेल लाइट, इसमें आपको 5 डिज़ाइन की टेल लाइट आ गई है लेक्सस की। और ये नया एक पैटर्न आया है, ये नया डिज़ाइन का टेल लाइट है, ये डिज़ाइन का टेल लाइट, रिफ्लेक्टर लाइट, यू क्रोम, डिक्की बूट क्रोम, बहुत सारे क्रोमियम वर्क बैक साइड में दिया है। और साइड व्यू में क्रोम का कुछ भी वर्क नहीं है, आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हैंडल पे क्रोम दिख रहा है। और स्पॉइलर लगा है, आप देख सकते हैं स्पॉइलर जो नॉर्मल इनोवा में बाकी सब में आता ही है। सो बॉडी कलर में स्पॉइलर हमने इसको पेंटेड किया है। और ओवरऑल पेंटिंग वगैरह का कंप्लीट वर्क हुआ है। मिरर को इंस्टॉल किया हमने, जैसा आप देख सकते हैं ये मिरर इनोवा क्रिस्टा के मिरर है, इनोवा क्रिस्टा के मिरर हमने इनोवा टाइप 4 में बिठाया है। तो इसमें 360 कैमरा लगाया है। और ये दूसरी चीज़ है जो विंग्स लाइट आती है, विंग्स लाइट लगाया है, ये भी आपको रात के टाइम दिखेगा कि कितना आउटपुट आ रहा है। सो फ्रेंड, इंटीरियर की बात करेंगे हम। इंटीरियर जो देख सकते हैं आप, एक नेक्स्ट लेवल का इंटीरियर बनाया हमने, जो रेड एंड ब्लैक का कॉन्ट्रेस्ट दिया है ये इनोवा में। बेसिकली जो आता है नॉर्मल फाइबर बेज कलर में ही आते हैं, तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट किया है, एक रेड एंड ब्लैक का कॉन्ट्रेस्ट दिया है। आप देख सकते हैं एक 70 मैटिंग इसका फिटमेंट, ये भी चॉकलेटी कलर में बनाया है। इसको आप देख सकते हैं किस टाइप से लुक में आ रहा है। और जो सीट कवर देख सकते हैं आप, सीट कवर की फिटिंग एंड फिनिशिंग एकदम नेक्स्ट लेवल का है। ओरिजिनल पैटर्न, ओरिजिनल डिज़ाइन, कोई भी बर्फी नहीं, कोई भी बाम्बू नहीं, एकदम ओरिजिनल जो पैटर्न बोलते हैं, ओरिजिनल पैटर्न और ओरिजिनल डिज़ाइन में हमने बनाया है। स्टेयरिंग व्हील को रैपिंग किया है, आप देख सकते हैं स्टेयरिंग व्हील को रैपिंग किया है। इसमें जो टेप लगा है, डायमंड का टेप आता है, आप नॉर्मल बहुत सारे वीडियो देखा रहेगा आपने, डायमंड का टेप लगा है हमने। एम्बिएंट लाइट का वर्क हुआ है पूरा इंटीरियर में, जो वुडन का जो वर्क हुआ है आप देख सकते हैं, बाकी की गाड़ियों में भी आपने देखा रहेगा, लेकिन ये ब्राउन कार्बन फाइबर बहुत अलग ही और डिसेंट लुक आ रहा है। सो इसमें आप देख सकते जो इंटीरियर का वर्क हुआ है, आप एकदम नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि टॉप
भी पूरा ब्लैक किया है, जो ऊपर का रूफ आता है बेसिकली बेज कलर या ग्रे कलर में आता है इनोवा में, इसको पूरा हमने ब्लैक में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और ABC जो पिलर है, पिलर को हमने रेड कलर में दिया है। तो एज पर कॉन्टेस्ट आप मैच करेंगे ना, तो जगह जगह से पूरा ओवरऑल रेड एंड ब्लैक का इंटीरियर हमने बनाया है। इसमें मैटिंग भी साथ साथ में वैसी मैटिंग डाला है, आप देख सकते हैं मैटिंग की फिटिंग एंड फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। सो इंटीरियर आप देख सकते हैं कि 7 सीटर जो सीट है, कैप्टन सीट दोनों सीट के बीच में, जो कैप्टन सीट बोलते हैं इनोवा में, ये मॉडल 7 सीटर में आता है। आप इसकी फिटिंग और फिनिशिंग देख सकते हैं, बैक साइड को भी रो में आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग कैसी है और फिनिशिंग कैसी है। मैटिंग का भी आप रो देख सकते हैं, जो थर्ड रो में कैसा दिख रहा है आपको सामने देखने को मिल रहा है। एक ओवरऑल एक लग्जरियस इंटीरियर बोल सकते हैं आप। नॉर्मली इनोवा में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, बहुत सारी इनोवा आपने देखा रहेगा लेकिन इस टाइप से इनोवा बहुत कम देखने को मिला रहेगा। तो सिस्टम का भी जो वर्क किया हमने इसमें, सिस्टम भी एकदम नेक्स्ट लेवल का फिटिंग किया है। जो आउटपुट वगैरह, ये डोर का डैम्पिंग, फ्लोरिंग का कारपेट लैमिनेशन, कारपेट पे डैम्पिंग, सो फ्लोरिंग को भी डैम्पिंग किया इसमें, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा फ्लोरिंग डैम्पिंग। डैशबोर्ड को लेदर रैप किया है, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का लेदर फिनिश और फिटिंग जो। सो फ्रेंड जैसा देख सकते हैं आप, हमने इसमें डायमंड का प्लेयर लगाया है, बाकी सारे प्लेयर तो आपने देखा ही रहेगा कैसे हैं। ये डायमंड का प्लेयर लगाने के बाद इसमें जो 360 बर्ड व्यू लगाए हैं उसकी हम क्लैरिटी आपको दिखाना चाहेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी कैसे आ रही कैमरे की। फ्रंट व्यू पे आप कैमरा देख सकते हैं, फ्रंट का कैमरा, बैक का कैमरा एंड राइट लेफ्ट। सो ये कैमरे की क्लैरिटी है, खासियत है कैमरे की कि इसमें क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आती है। सो दूसरी चीज़ बोलना चाहेंगे, डायमंड के प्लेयर आप कोई भी गाड़ी में ऐसा इंस्टॉल करा सकते हैं, ये इनोवा हो या कोई भी गाड़ी हो, स्टेप से जो 12 इंच के प्लेयर आते हैं आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं कोई भी गाड़ी में। इसमें म्यूजिक सिस्टम में हमने 4 डोर में कंपोनेंट्स लगाए हैं और एक वूफर लगाए हैं। सो इसका बजने का भी आउटपुट हम आपको सुनाएंगे कि कैसा नेक्स्ट लेवल आउटपुट बज रहा है। एम्बिएंट लाइट तो आप देख ही रहे हैं लेकिन रात के टाइम हम और भी अच्छी तरह से आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसा आउटपुट आ रहा है उसके। सो बेसिकली सारे ऐप्स आप देख रहे हैं कितना नेक्स्ट लेवल चल रहा है। ये जो गोल बटन देता है ये तो अपने आप में एकदम देखने के काबिल है, और रिवर्स फॉरवर्ड का यहाँ पे जो सिस्टम दिया बटन का ये भी अलग है। सो आप भी अपनी गाड़ी में ऐसे लगाइए और इंटीरियर नेक्स्ट लेवल बनाइए इस टाइप से कि जे ऑटो में आइए ऐसा हम आपको ऐसा बना के देंगे। सो ज़्यादा इंटीरियर को भी ऑड नहीं बनाया हमने, बट जो भी बनाया है ओरिजिनल टाइप में अच्छा लुक देखे, एक डिसेंट इंटीरियर के हिसाब से इनोवा का मॉडिफिकेशन का वर्क हुआ है। सो आपके पास अगर इनोवा का इंटीरियर देख के आप बोर हो गए रहेंगे तो आप आइए इस टाइप से फ्रेश न्यू इंटीरियर बना के लेके जाइए, जो देखने में बहुत ही अलग लुक।